बिकॉज हमारे पास हमारी वीस्ट्रॉम 650 नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाइकर बाइकर नी वांडरलस्ट। येट अनदर एडवेंचर अवेट्स, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट बिकॉज हमारे पास हमारी वीस्ट्रॉम 650 नहीं है। और नहीं है, बट हम लेके नहीं आए हैं और इस बार हम दूसरी बाइक में जा रहे हैं, हिमालयन पे जा रहे हैं। This will be quite an adventure. इसको कल ही हम लोगों ने लिया अपने एक acquaintance या बोल सकते हैं खास friend से। ये उनकी काफ़ी चहेती बाइक है, तो हमें थोड़ा अच्छे से हैंडल करना है। ये बाइक पे ऑलरेडी वो बहुत सारे एडवेंचर कर चुके हैं, अभी रिसेंटली नेपाल भी जाके आए हैं। तो ये बाइक तो नेक्स्ट एडवेंचर लेवल हम लेके जा रहे हैं, तो आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बी विथ अस टू नो वेयर वी आर हेडिंग टू एंड इट विल बी वन ऑसम राइड। ओके, और हमारे साथ हमारे एक कपल फ्रेंड भी है, सो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको व्लॉग में उनसे भी मिलाएंगे। हाँ, सो आपको बहुत मजा आने वाला है। बी विथ अस एंड लेट्स रोल, सी यू ऑन द राइड। देहरादून से चोपटा अराउंड 200 किलोमीटर्स है, जिसमें हमें ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए चोपटा अराउंड 7-8 आवर्स लगेगा विथ ब्रेक्स एंड ट्रैफिक। अप्रैल टू जून उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सीजन है, सो गर्मी और लोग ये तो आपको मिलेंगे ही। फिलहाल आप इस ब्रिज का आनंद लीजिए। Isn't it beautiful? मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, क्यों है ना? हेलो फ्रेंड्स, सो हम हैं उत्तराखंड में और अभी जा रहे हैं चोपटा। तो अभी आपको दिखाते हैं, हम रुके थे ऋषिकेश में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी तो ऑलमोस्ट हुआ तो ऋषिकेश में ही लग गया, बिकॉज अभी वो चारधाम यात्रा वगैरह वो सब चल रहा है, इट्स टू क्राउडेड एंड ऑलमोस्ट 10-10 किलोमीटर तक ट्रैफिक था। आपको वीडियो में पहले दिखा होगा किस तरह की ट्रैफिक थी ऋषिकेश में। अभी बस खाने के लिए रुके हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं पहले हमारी दोनों की बाइक्स और फिर हम क्या खा रहे हैं वो भी दिखाते हैं। सो ये हिमालय जो हमने अपने नोन फ्रेंड से ली हुई है, और ये रचित की टाइगर है ना, मस्त। अभी देखिए बहुत सारी गाड़ियां जा रही है पीछे की आवाज के लिए, प्लीज एक्सक्यूज। आगे मिलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं और जल्दी से चोपटा पहुंचते हैं, फिर आगे का एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं। बाय। सो हम अभी रुद्रप्रयाग में हैं। गर्मी की बाप रे बाप। देहरादून वाज 32, रुद्रप्रयाग वाज 36, सब तप गए पूरी तरह से, ऊपर से ट्रैफिक जाम हो गया, सब बम्पर टू बम्पर, बम्पर टू बम्पर, ऐसा पसीना से नहा रहे और आके हम लोग यहाँ पलटी खा गए सारे। लाइम सोडा पिया, शिकंजी पिया, अभी बाहर का लाइम सोडा पिया, शिकंजी पिया, बहुत गर्मी है, थोड़ा रेस्ट कर लिया, फैन के नीचे। अभी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, अभी थोड़ी क्लाउडी हो गई है। सो अब वेदर थोड़ा अच्छा है, तब आराम से राइड करके कंटिन्यूस राइड करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब होपफुली सीधा कैंप पे मिलते हैं। सी यू। लेफ्ट साइड ब्रिज वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है और सीधा रास्ता तुंगनाथ जाता है। चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, जहाँ से तुंगनाथ चंद्रशिला की ट्रैकिंग शुरू होती है। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जो कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। हाँ,
एंड फाइनली हम चोपटा पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं चोपटा, और चोपटा में हम वही रह रहे हैं जहाँ हम पहले रह रहे थे लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे। सो दिस इज़ एल्पाइन एडवेंचर कैंप जो कि है चोपटा में, और यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक, मतलब आप थोड़ा सा तुंगनाथ का ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है बेसिकली। सो बेसिकली आपको थोड़ा, आप जब जाएंगे हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ से स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम भी आपके, अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं सो उत्तराखंड सीरीज़ में, उसमें ज़रूर आप देखिए, उसमें भी हमने बताया है हम कहाँ तक गए थे, क्या किया था, वो भी है। बट उस बार हम ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इस बार आए हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। और शाम के बज गए हैं 6, तो अभी आपको दिखाते हैं हमारे टेंट्स। सो ओके, वहाँ से एंट्रेंस किया, वहाँ से ऐसे आए, आने वाला तो आपको फिर से दिखा देंगे। ये उनका डाइनिंग एरिया है, उस तरफ किचन है, वो कल सुबह दिखाते हैं बाकी का। और ये सारे टेंट्स है, ये सारे टेंट्स है, देख रहा है आपको। और अभी शाम हो गई है, सनसेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और आपको दिख रहा होगा स्नो कवर्ड माउंटेन्स। सुबह आपको और डिफरेंट व्यू दिखाते हैं। वाह, ये कैसा लग रहा है फिर से यहाँ आके? रिलैक्स्ड, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हाँ, मज़ा आया। हमने लास्ट टाइम यहीं पे आए थे, लेकिन थोड़ा लुक डिफरेंट था। भैया ने अभी बहुत सारा नए चेंजेस भी कर दिया है। yes. तो उस हिसाब भैया को भी मिलवाते हैं कल, भैया मनोज भैया। सो मनोज भैया से भी कल मिलवाते हैं, उनको आज जल्दी थी तो थोड़ा भाग गए जल्दी। कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे, अभी हम कुछ दिन तो यहाँ पे है, और इस बार तो ट्रैक ख़त्म करनी है हमको। सो होपफुली आपको व्लॉग में देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर गप्पे शप्पे एंड हाँ। सो हमारे दोस्त वहाँ पे रुके हुए हैं, वो वाले टेंट में, तो वो भी फ्रेशन अप हो रहे हैं। तब तक हम लोग अपना रूम का टूर, टेंट का टूर दिखा देते हैं थोड़ा सा। ऐसा जिप खोलिए और अंदर घुसिए, एंड द लुक, डबल बेड है, अंदर बाथरूम है। लास्ट टाइम भी दिखाया था बट इस बार थोड़ा लुक चेंज किया है भैया ने। सो ये है मस्त वाला टेंट वाला बाथरूम। चलिए फिर कल मिलते हैं, आपको बाकी का नज़ारा कल दिखाते हैं, अच्छे से टूर करवाएंगे, फिर ट्राई करेंगे ट्रैक का, उसके बाद सब पता चलेगा आपको ब्लॉग में। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी एडवेंचरस। मेरे को छुपा दे रही थी वो। यही तो, बता बता। ठीक है, चलिए साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय बाय।